हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक निबंध लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक विशेष योजना है। इसका लक्ष्य महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी सेवाओं के बारे जागरूकता को बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने मादा भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को समाप्त करने की अपील की है। ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। यह तेजी से नीचे गिरा है। हम लोगों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रारंभ में 100 करोड़ रुपए का कोष इस आयोजन के लिए दिया गया है। योजना का लक्ष्य लैंगिक समानता भी है। महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी और निजी अस्पताल खोले जाएंगे। इस दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक पुरस्कारों की घोषणा की है। जो लड़कियां समाज के लिए आदर्श के रूप में खड़ी होंगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अतः सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन चाहती है।
हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके विकास के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। समाज में उनका समान दर्जा होना चाहिए। वे हमारे सम्मान के हकदार हैं। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी तथा यह सफल होगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह निबंध पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।